गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग इम्पेरिकल फॉर्मूला को स्टडी करेंगे, यानी कि इम्पेरिकल फॉर्मूला है क्या और इम्पेरिकल फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको छोटा सा डिफाइन करते हुए और फिर कुछ सिंपल वे बताएंगे कि इम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। फिर इम्पेरिकल फॉर्मूला से हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, तो किसी भी मोलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो, ईच एलिमेंट के एटम का सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला बतलाता है। तो डिफाइन ऐसे करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्सप्लेन सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मोलेक्यूल। किसी मोलेक्यूल में सबसे सिंपलेस्ट रेशियो क्या है एटम्स का। जैसे अब हम कुछ कंपाउंड ले रहे हैं, ये कंपाउंड है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कंपाउंड से कुछ मोलिकुलर फॉर्मूला और इधर एम्पिरिकल फॉर्मूला। हम तीन चीज को स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे सबसे सिंपल कंपाउंड ले रहे हैं हम ब्यूटेन। ब्यूटेन के बारे में जानते होंगे, चार कार्बन का कंपाउंड है, यानी कि C4H10। ये दोनों दो से कटने वाला है, तो इसका जब एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो ये टू से डिवाइड करके लिखा जाएगा। ये सिंपलेस्ट रेशियो लेना है तो ये क्या हो जाएगा, C2H5। ठीक है, ब्यूटेन के बाद हम ले रहे हैं बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6। ये दोनों 6-6, सिंपलेस्ट रेशियो में 6-6 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, C और H, ये बेंजीन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा। हर जगह मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला अलग अलग नहीं होता है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का H2O, इसमें तो कुछ कटने वाला है नहीं, एक कर दो वही रह जाएगा, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी H2O ही रहेगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले ले तो इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला, चूंकि S1 है 4 2 तो कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा, तो ये वही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। एक एन टाइम्स होता है इम्पिरिकल फॉर्मूला में, एन से इंटू कर दे तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि इम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, इसमें एन लगा दिए तो बन गया मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, और फिर एन हटा दिए तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाता है। और ये इस एन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी होगी तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि मोलिकुलर फॉर्मूला का मास और इंपेरिकल फॉर्मूला का मास को डिवाइड करेंगे तो एन निकल जाएगा। एन को, इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं पोज करके
और फिर मैं एन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये एन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एन एन इज इक्वल टू होगा मोलिकुलर मास, वहां पे नहीं, एन इज इक्वल टू हो जाएगा मोलिकुलर मास, ठीक है, बाय मास ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर आपने n की वैल्यू निकाल ली तो इंपेरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, या मोलिकुलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब आप एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहे हैं जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, और उसको हम सोल्व करेंगे इस दो फॉर्मूले के बेस पे। ओके, तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला, दो चीज कैलकुलेट करना है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, दिया क्या क्या है, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 4.07, कार्बन का परसेंटेज दिया है 24.27, और क्लोरीन का परसेंटेज दिया है 71.65, साथ में ये मोलर मास भी दे दिया है 98.696। ओके, तो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो सॉल्यूशन में ऐसा है, पहले सिंपल वे में हम लिख रहे हैं कि क्या क्या है। मेरे पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा क्लोरीन है, तीन चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि इसका परसेंटेज कंपोजिशन लिखेंगे, परसेंटेज कितना है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, 4.07, कुछ अप्रोक्सीमेशन भी चलता है इसमें। कार्बन का 24.27 और क्लोरीन का 71.65। ओके, अब इसका हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल, इसको मास मान के चलते हैं और नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, 1, तो हम डिवाइड कर देंगे इसमें 4.07 बाई 1। कार्बन का होता है 12, तो 24.27 बाय 12, और ये 71.65 बाय 35.5। अब जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम आगे, तो ये 4 आ जाएगा कटा के, ये 4 इसकल टू 4, इसको कैलकुलेट किए तो इसकल टू आ गया ये 3 2 2, इसको कैलकुलेट किए भी 2 आ गया, आ गया आपका 4 2 2। अब ये 4 2 2 से नहीं होगा, हमको इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए, तो सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल रहे हैं। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो सबसे छोटा वाला है उससे सब में डिवाइड कर देंगे, ये दोनों छोटा है इसी से डिवाइड करना होगा, तो 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4/2 यानी कि 2, इसमें 2/2 यानी कि 1, इसमें 2/2 यानी कि 1, यानी कि ये 2 आया, ये 2 आया और ये 1 आया। ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बताने के लिए हो गया। ओके, तो अब आपका इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो दे दिया, वही तो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, तो
इंपीरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू हाइड्रोजन दो एच टू कार्बन ए सी क्लोरीन वन सी एल, ये आपका इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। ओके अब आपको निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला भी, तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए n की वैल्यू निकालनी होगी और n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे। तो इंपेरिकल फॉर्मूला का अगर मास निकालेंगे, एक तो आपका आंसर यहां आ गया। अब मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला अगर देखेंगे तो ये हाइड्रोजन दो है टू इंटू वन प्लस कार्बन एक है 12 इंटू वन होता है वो नहीं लिख रहे हैं क्लोरीन प्लस 35.5 और ये सब को अगर जोड़ रहे हैं हम 12 वन जा पहले 2 वन जा 2 प्लस 12 प्लस 35.5 इट मींस ये आ गया आपका 49.5, ठीक है। अब ये 49.5 जो आया इसको यहां पे यूज करके n निकालेंगे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला तो हमको दिए हुए हैं 98.96 बाई 49.5 ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2, इसमें पॉइंट वगैरह नहीं लेते 2 आया। इट मींस मोलिकुलर फॉर्मूला जो होगा इंपेरिकल फॉर्मूला में 2 से इनटू करते हुए लिख देंगे, जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला यहां आया है इसी को यूज कर रहे हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला में एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का दो है तो हाइड्रोजन यहां 4 हो जाएगा, कार्बन एक है तो कार्बन 2 हो जाएगा, क्लोरीन एक है तो क्लोरीन 2 हो जाएगा, 2 से इनटू कर दिए, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला में 2 से इनटू करके हमने मोलिकुलर फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि H2CCl का 2 इट मींस H2C2Cl2 ये आपका आ गया मोलिकुलर फॉर्मूला। इस तरह हमने देखा कि इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है और उसमें n की वैल्यू निकालने के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला में के मास में डिवाइड कर देंगे, मोलिकुलर मास से इंपेरिकल मास में डिवाइड करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन से सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं और उस सिंपलेस्ट रेशियो से हम इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इस इंपेरिकल फॉर्मूला से हम n कैलकुलेट करके मोलिकुलर फॉर्मूला निकालते हैं। ये हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।